हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एनवी एजुकेशन में। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 1.2 का 4 का 7 क्वेश्चन। तो देखिए, 7th क्वेश्चन को ना बहुत आसानी से बनाया जा सकता है। आसानी से कैसे बनाया जा सकता है, देखिए यहाँ पे क्या है, 2x + 1 / 2x + 1 दोनों जगह सेम है। तो हम क्या कर लेते हैं, हम यहाँ पे मान लेते हैं, ओके, माना 2x + 1 = a सपोज की, ओके। तो हमारा ये सवाल कैसा हो जाएगा, हो जाएगा a + 3/a = 4, ओके। अब बस हमें इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पे हो गया ये a² + 3 = 4, और ये हो गया a² + 3 = 4a। अब इस a को इधर लेके चले आएंगे, तो ये हो गया a² - 4a + 3 = 0। अब मिडिल टर्म फैक्टर 3 × 1 = 3, ठीक है, 3 × 1 = 3, और 3 और 1 क्या होता है, 4। तो वही कर देते हैं, a² - 3 + 1a + 3 = 0, ठीक है। तो ये हो गया a² - 3a और ±a + 3 = 0। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, a कॉमन ले लिए, तो ये क्या बचा, a - 3। अब यहाँ से -1 कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, a - 3 = 0, ओके। अब यहाँ पे a - 3 और a - 1 बच गया, = 0, ओके। अब यहाँ से करेंगे क्या, आइदर a - 3 = 0 और a = 3। अब यहाँ पे हमने a = क्या माना था, 2x + 1, 2x + 1 = a। अब वहाँ पे a का मान रख देंगे, यहाँ पे a का मान रखेंगे क्या, 2x + 1 = 3। तो ये हो गया 2x = 3 - 1, x = यहाँ पे 2, और ये 2 नीचे आ जाएगा, तो ये हो गया x = 1। तो आपको ना x वाला उतना सारा स्क्वायर टर्म नहीं पड़ा, तो ये थोड़ा सा इजी हो गया और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बना। अब यहाँ पे फिर से वापस से और दे करके ये x a - 1 = 0, तो यहाँ a = क्या हो गया, 1, और a का मान रख देंगे फिर से, तो 2x + 1 = 1, दैट मीन्स 2x = 1 - 1, यानी x बराबर क्या हो जाएगा, 0/2, यानी 0। तो यहाँ पर क्या हो गया, x बराबर या तो 1 होगा या तो 0 होगा, ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। अब अगला सवाल देख लेते हैं। अगला है, देखिए क्या यहाँ पे वापस से देखिए क्या लिखा हुआ है, x + 1 x + 1 x + 1 सब जगह लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मान लेंगे, माना x + 1 = a, तो जैसे ही a मानेंगे तो यहाँ पे सारे वैल्यूज कैसे हो जाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा a/2 + 2/a, और इधर बराबर a/3 + 3/a या -5/6, ठीक है। तो अब इसको बस सॉल्व कर लेना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2a, और ये हो जाएगा a² + 4, 2 × 4 = यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 6a, ठीक है, इसको भी लेकर के इंक्लूड कर लेते, तो ये भी हो गया 6a। तो यहाँ से a 2a कट गया, 2a आ गया, तो 2a, तो ये हो गया 2a², यहाँ पे a कट गया, तो +6 = 18, और यहाँ पे -6 कट गया, तो यहाँ पे बच गया 5a, ओके। अब देखिए नीचे से ये a और ये a कट गया, यहाँ से 2 + 6 = 3 कट गया, ओके। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये हो जाएगा इधर पे मल्टीप्लाई 3 × a² + 4 = यहाँ पे 2a² + 18 - 5a। अब बस इसको आगे सॉल्व करते जाना है, ये हो गया 3a² + 4 = 12, और इसको भी लेके चलाते सबको इस तरफ, तो ये हो गया -2a² - +5a - 18 = 0। अच्छा, यहाँ पे देखिए ये 3a² - 2a² बचा क्या, a², अच्छा +5a, और यहाँ पे +12 - 18, तो हो गया -6 = 0। अब मिडिल टर्म फैक्टर, तो ये हो गया a² + 3 × 6, और 3 + 2 = 5, 3 + 2 = 5, 3 + 2 नहीं लेने से होगा, यहाँ पे क्या होगा 6 -
सिक्स माइनस वन, ओके काट के लिख देते हैं, यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सिक्स माइनस वन ए माइनस सिक्स इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ पर ये मैंने सिक्स माइनस वन क्यों लिया, थ्री प्लस टू क्यों नहीं लिया, क्योंकि देखिए सिक्स माइनस वन जब मल्टीप्लाई होगा, सिक्स इंटू माइनस वन जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा आंसर, माइनस सिक्स। यहाँ पे हमारा क्या था, माइनस सिक्स था, लेकिन अगर मैंने थ्री प्लस टू लिया होता यानी कि थ्री मल्टीप्लाई टू तो हमारा क्या आता, सिक्स, ये वाला प्लस सिक्स होता जो कि हमारे इस से मैच नहीं कर रहा, इसलिए हम यहाँ पे सिक्स माइनस वन ले रहे हैं। तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस सिक्स ए माइनस सिक्स इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से ए कॉमन, ए कॉमन तो बचा क्या हमारे पास, यहाँ पे ए प्लस सिक्स, यहाँ पे माइनस वन कॉमन तो बचा क्या हमारे पास, ए प्लस सिक्स इक्वल टू ज़ीरो, ओके। और यहाँ से अब हो गया ए प्लस सिक्स और ए माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ से आइदर कर लेते हैं, आइदर ए प्लस सिक्स इक्वल टू ज़ीरो और a इक्वल टू माइनस सिक्स। अच्छा यहाँ पे a इक्वल टू हमने क्या माना था ऊपर में, a इक्वल टू एक्स प्लस वन, अब यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, देयरफॉर x प्लस वन इक्वल टू माइनस सिक्स, तो x इक्वल टू क्या हो गया, माइनस सिक्स माइनस वन यानी माइनस सेवन, x इक्वल टू माइनस सेवन। और यहाँ पर फिर से और करेंगे, यहाँ पे क्या है a माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो, ओके तो a इक्वल टू वन, और यहाँ पर फिर से वापस x प्लस वन इक्वल टू वन, और ये हो गया x इक्वल टू वन माइनस वन, और यहाँ से निकला x इक्वल टू ज़ीरो। तो देयरफॉर x बराबर क्या होगा, या तो माइनस सेवन होगा या तो ज़ीरो होगा, ठीक है। ये हो गया, बड़ी आसानी से सॉल्व हो गया, नेक्स्ट देख लेते हैं। अच्छा इसमें कोई ट्रिक वाला चीज़ नहीं लगने वाला, ठीक है, तो इसको हमें नॉर्मली सॉल्व करना पड़ेगा, तो सॉल्व करते हैं। नीचे क्या आएगा, 3x प्लस वन और यहाँ पे x प्लस सेवन, इधर हो गया 12x प्लस सेवनटीन और ये मल्टीप्लाई होगा x प्लस सेवन से, माइनस माइनस इधर क्या आ जाएगा 2x प्लस फिफ्टीन, मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 3x प्लस वन से, इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाँच या पंद्रह और एक सोलह, सोलह बटा पाँच, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो गया 12x स्क्वायर, 12x स्क्वायर प्लस 12 सत्तर चौरासी एक्स प्लस 17x प्लस 17 सत्तर 119, ओके। और फिर माइनस यहाँ पे है, ब्रैकेट में ही लिखेंगे हम लोग, ये हो गया 6x स्क्वायर यहाँ पे प्लस 2x और यहाँ पे प्लस 15 या 45x प्लस 15 बाई 3x स्क्वायर प्लस 7 या 21 x प्लस 7 इक्वल टू 16 बाई 5, ठीक है। अब नेक्स्ट अगले स्टेप में हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो गया 12x स्क्वायर प्लस 7 4 11 8 और 1 9 और 1 10 101x प्लस 119, और यहाँ से माइनस है, माइनस प्लस माइनस 6x स्क्वायर, अच्छा ये दोनों ऐड होगा 45 और 2 47 और ये माइनस 47x माइनस 15 बाई 3x स्क्वायर प्लस 22x प्लस 7 इक्वल टू 16 बाई 5, ओके। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया 6x स्क्वायर प्लस में, अच्छा यहाँ पे प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये हो गया 53 54 प्लस 54x और ये माइनस करेंगे 19 में से 15 माइनस करेंगे 4 यानी प्लस 104, इतना मल्टीप्लाई हो जाएगा, हम क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, इंटू 5 और इधर पे 16 मल्टीप्लाई होगा 3x स्क्वायर से प्लस 22x प्लस 7, ओके। अब बस मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 5 छक 30x स्क्वायर और प्लस इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 छक 20, 2 5 5 25 और 2 27 प्लस 520, ठीक है,
5 × 20, 5 × 5 इक्वल टू यहाँ पे 16 × 3 = 48 एक्स स्क्वायर और 16 × 2 = 32, 16 × 2 = 32 और 3 = 35 एक्स प्लस 16 × 7 = 112। ओके देखिए अब इधर एक्स स्क्वायर का टर्म ज़्यादा है तो हम क्या करते हैं इन सब को इस तरफ लिखे चले जाते हैं तो हमारा इक्वेशन कैसा हो जाएगा 48 × 3 = 152 माइनस में −30 × 2 = −270 × −520 = 0। अब माइनस कर देते हैं इसको इसको तो ये हो गया 18 × 2। अच्छा अब ये माइनस होगा तो ये माइनस होकर क्या जाएगा प्लस कितना होगा यहाँ पे 300 करने के लिए 30 और यहाँ पे 50 80 82 x। अच्छा और इसको माइनस करते हैं माइनस वाला टर्म ज़्यादा है साइन माइनस का आएगा तो यहाँ से 100 माइनस हुआ तो 420 में से 12 माइनस हुआ तो 408 = 0। ओके अब बस इसको सॉल्व करना है देखते हैं अब क्या कॉमन जाता है कुछ की नहीं तो यहाँ से 2 कॉमन जा रहा है तो 2 निकाल देते हैं तो ये हो गया 18 का हो जाएगा 9 × 2 प्लस 41 × माइनस 204 = 0। तो हमारा जो टर्म आ गया वो आ गया ये प्लस 41 × माइनस 204 = 0। ओके अब बस इसका मिडिल टर्म फैक्टर करना है तो हमें क्या लाना है 41 लाना है इन दोनों को देखते हैं 9 तो खैर हो गया 3 × 3 204 का कर लेते हैं फैक्टर यहाँ से 2 = 102, 2 = 51, 3 = 17। ओके और 9 का क्या हो जाएगा 3 × 3 तो हमारा जो आ गया हो गया 2 × 2 × 3 × 17 × 3 × 3 ये कहाँ से आया तो ये वाला टर्म है 9 है ठीक है 9 वाला। तो अब हमको लाना क्या है हमको लाना है 41 कैसे आएगा तो देखते हैं तो आ जाएगा देखते हैं 2 × 4 = 4 = 17, 17 × 6 = 68 और 3 × 3 = 9 = 27 ठीक है 27 माइनस करने से 41 आ जाएगा। ओके तो यहाँ पे हो जाएगा क्या 9 × 2 + 68 − 27 × − 204 = 0 यानी 9 × 2 + 68 × − 27 × − 204 = 0 कॉमन ले लेते हैं। अब कॉमन यहाँ से क्या जाएगा यहाँ से जाएगा x तो यहाँ से बच गया 9 × 68 यहाँ से क्या जाएगा −27 कॉमन गया तो बचा x प्लस ये डिवाइड करने से आ जाता है यहाँ से जाएगा कॉमन 3 कॉमन जाएगा तो बचेगा यहाँ पे 9 × 68 = 0 तो ये हो गया 9 × 68 और इधर हो गया x − 3 = 0। तो अब आइदर और करते हैं आइदर या तो ये या तो वो यानी 9 × 68 = 0 तो 9 × −68 तो x = −68/9 और x − 3 = 0 और x = 3 ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया या तो x = −68/9 होगा या तो 3 होगा ठीक है ये हो गया हमारा आंसर। ओके नेक्स्ट देख लेते हैं। अच्छा ये है थोड़ा सा आसान सा सवाल ठीक है आसान कैसे अच्छा यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है x + 3/x − 3 और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है x − 3/x + 3 उल्टा है ठीक है। अगर मैं इसको इस वाले टर्म को ऐसे लिखूं यानी यहाँ पे x + 3/x − 3 ओके प्लस 6 × 1/ करके लिखते हैं तो क्या होता है x + 3/x − 3 = 5। अब ये कैसे हो सकता है जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये डिवाइड है डिवाइड क्या होता है मल्टीप्लाई में चेंज होकर के उलट जाता है जैसे यहाँ पे 1/ क्या लिखा मैंने x + 3/x − 3 ठीक है 1/ ऐसा है तो मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 × x − 3/x + 3 और ये मल्टीप्लाई होने के बाद वापस से यही आ जाएगा ठीक तो इसका मतलब ये सही है
अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं, माना पूरा जो x प्लस थ्री बाई एक्स माइनस थ्री है इक्वल टू a है, यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी सेम, सेम करना था बस इसीलिए। तो हमारा समीकरण क्या हो जाएगा, a प्लस सिक्स इंटू वन बाई ए इक्वल टू फाइव, छोटा सा हो गया। अब बस इसको सॉल्व करना है, तो ये हो जाएगा a प्लस सिक्स बाई ए माइनस फाइव इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से a हो गया, तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस सिक्स माइनस फाइव ए इक्वल टू ज़ीरो। ए को लेके चले जाएंगे जीरो से गुना करने, तो ज़ीरो हो जाएगा। तो हमारा समीकरण हो गया एक्स स्क्वायर माइनस फाइव, सॉरी, ए स्क्वायर माइनस फाइव ए प्लस सिक्स इक्वल टू ज़ीरो। ओके, अच्छा यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, मिडिल टर्म फैक्टर। तो ये ए स्क्वायर माइनस थ्री प्लस टू ए प्लस सिक्स इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से हो गया ये ए स्क्वायर माइनस थ्री ए माइनस टू ए प्लस सिक्स इक्वल टू ज़ीरो। ए कॉमन ए माइनस थ्री माइनस टू कॉमन ए माइनस थ्री इक्वल टू ज़ीरो। ए माइनस थ्री ए माइनस टू इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से आइदर ए माइनस थ्री इक्वल टू ज़ीरो ए इक्वल टू थ्री, ये हो गया। अब हमने ए का मान क्या माना था, ए इक्वल टू क्या था, इक्वल टू था एक्स प्लस थ्री बाई एक्स माइनस थ्री, ये था है ना, एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस थ्री। अब हम यहाँ पे ए का मान रख देंगे, यानी हो गया एक्स प्लस थ्री बाई एक्स माइनस थ्री इक्वल टू थ्री। अब इसको सॉल्व करना है, तो ये हो गया एक्स प्लस थ्री इक्वल टू थ्री एक्स माइनस नाइन, तीन से ये मल्टीप्लाई हो गया दोनों। अब करते हैं क्या इधर उधर, तो x माइनस थ्री एक्स इक्वल टू माइनस नाइन माइनस थ्री, यहाँ हो गया माइनस टू एक्स और इधर माइनस ट्वेल्व। अब दोनों तरफ माइनस, तो माइनस माइनस कट जाएगा प्लस, तो यहाँ से हो गया x बराबर ट्वेल्व बाई टू यानी सिक्स, तो x इक्वल टू यहाँ से हो गया सिक्स। और दूसरा भी निकालना है अब, या तो आइदर किया अब और वाला, या तो ये या तो वो, ठीक है। और हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से a माइनस टू इक्वल टू ज़ीरो है, तो a बराबर टू आया। अब यहाँ पे भी वापस से वो वैल्यू रखेंगे, तो x प्लस थ्री बाई एक्स माइनस थ्री इक्वल टू टू क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ से हो गया x प्लस थ्री इक्वल टू टू एक्स माइनस सिक्स। वापस से इधर उधर करना है, तो x माइनस टू एक्स इक्वल टू सिक्स माइनस थ्री, सिक्स माइनस थ्री, माइनस सिक्स माइनस थ्री, तो ये हो गया माइनस एक्स माइनस नाइन, माइनस माइनस कट गया, तो यहाँ से क्या हो गया x इक्वल टू नाइन। तो हमारा आंसर क्या होगा, या तो x सिक्स होगा या तो x नाइन होगा, ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट करते हैं अब। अच्छा इसको कैसे करना है, यहाँ पे देखिए नीचे x वाला टर्म है एक, और यहाँ पे एक ही x वाला टर्म है, तो हम क्या करेंगे, x वाले टर्म को एक तरफ रखेंगे और ए बी जो है वो सब अलग कर देंगे। तो यहाँ पे हो गया वन बाई ए प्लस बी प्लस एक्स माइनस वन बाई एक्स इक्वल टू वन बाई ए प्लस वन बाई बी। अच्छा अब यहाँ पे हम ले लेते हैं एलसीएम, तो एलसीएम में यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो गया एक्स मल्टीप्लाई ए प्लस बी प्लस एक्स, और इधर यहाँ पे हो जाएगा एक्स माइनस ए प्लस बी प्लस एक्स इक्वल टू इधर पे ए बी, और यहाँ पे बी प्लस ए। ओके अच्छा इधर अब एक्स माइनस ए माइनस बी माइनस एक्स, नीचे क्या हो रहा है एक्स इंटू ए प्लस बी प्लस एक्स इक्वल टू, इसको ए प्लस बी लिख देते हैं और यहाँ पे ए बी लिख देते हैं। अब यहाँ से एक्स और एक्स कट गया, ठीक। अब देखिए यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ, ठीक है, माइनस वन कॉमन ले लूँ, तो बचा क्या ए प्लस बी, नीचे क्या है एक्स इंटू ए प्लस बी प्लस एक्स, और इधर ए प्लस बी और नीचे ए बी। तो देखिए ऊपर ए बी, यहाँ पे भी ए प्लस बी यहाँ पे भी है, तो ये दोनों कट गया हमारे पास। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद बचा क्या, ये माइनस ए बी, और इधर क्या आएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं अब ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ओके अब सबको एक तरफ, इसको भी उधर लेके चले जाते, तो हमारा इक्वेशन हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी एक्स माइनस
माइनस का हो जाएगा प्लस ए बी इक्वल टू ज़ीरो। ओके अच्छा, अब यहाँ पर से हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे इधर से और इधर से। यहाँ से x कॉमन गया तो बचा क्या, x x प्लस ए, और यहाँ से अगर b हमने कॉमन ले लिया तो बचा क्या, x प्लस ए इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू ज़ीरो। तो अब हो गया आइदर x प्लस ए इक्वल टू ज़ीरो और x इक्वल टू माइनस ए, और x प्लस बी इक्वल टू ज़ीरो और x इक्वल टू माइनस बी। तो देयरफॉर x इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो गया, दोनों में से या तो माइनस ए होगा या तो माइनस बी होगा, ये होगा आंसर। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही, अब हम बाकी के सवाल देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।